हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर्स। बात करने वाले हैं चार मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, जिसमें दबंग 3 भी है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ ही रहिए। तो पहले बात करते हैं बिगल मूवी को लेकर। ये इंडिया का बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म है। हाँ दोस्तों, अगर बात किया जाए इस मूवी का बजट का, इस मूवी का बजट है 180 करोड़ रुपीज़। लीड रोल में है थलापति विजय सर। ये मूवी एक मास मूवी है, एक वेरालेबल मूवी है। अगर बात किया जाए इस मूवी का 56 डेज का कलेक्शन का, 56 डेज में इस मूवी ने तमिलनाडु से 7 लाख कमाए। वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया है 8 लाख। टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस मूवी का अभी तक जो 56 डेज का है वो है 317 करोड़, जो एक शानदार कलेक्शन है, एक बढ़िया कलेक्शन है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं ये मूवी आप लोग को कैसा लगा। क्या आप लोग थलापति विजय का फ़ैन है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमें हमारे साथ ही रहिए। अब बात करते हैं मलयालम इंडस्ट्री का बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म ममनगम को लेकर। इस मूवी का बजट है 55 करोड़ रुपीज़। लीड रोल में है मेगा स्टार मैमोजी सर। ये मूवी भी रनिंग सक्सेसफुली चल रही है, सारे दर्शकों को मूवी पसंद आया है। क्रिटिक्स का मिक्स रिव्यू होने के बाद भी मूवी ने मलयालम इंडस्ट्री से बहुत कलेक्शन कर लिया है। हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया है। जो भी हो, बात करेंगे इस मूवी का 8 डेज का कलेक्शन का। इस मूवी का 8 डेज का जो कलेक्शन है वो कोची से है 3 लाख, केरला से है 2 करोड़, कर्नाटका से है 28 लाख, तमिलनाडु से है 15 लाख, तेलुगु स्टेट से है 10 लाख, हिंदी वर्जन से कमा लिया है 25 लाख और ओवरसीज मार्केट से कमा लिया है 1 करोड़ 50 लाख। अगर बात किया जाए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का, वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन में इस मूवी ने कमा लिया है 4 करोड़ 50 लाख। अगर बात किया जाए इस मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का कि टोटल वर्ल्ड वाइड में इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया, तो टोटल वर्ल्ड वाइड में इस मूवी ने एक शानदार कलेक्शन किया है दोस्तों। इस मूवी का रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन है 8 डेज का 81 करोड़ रुपीज़, जो एक शानदार कलेक्शन है, एक बढ़िया कलेक्शन है। अब बात करते हैं वेंकी मामा को लेकर। इस मूवी का बजट है 25 करोड़ रुपीज़। लीड रोल में है वेंकटेश सर एंड नागा चैतन्य सर। अगर बात किया जाए इस मूवी का 7 डेज का कलेक्शन का, इस मूवी का 7 डेज का यूएसए का कलेक्शन है 30 लाख, एपीएनटीएस से कलेक्शन किया है 2 करोड़, ओवरसीज कलेक्शन किया है 1 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया है 4 करोड़। अगर बात किया जाए इस मूवी का टोटल वर्ल्ड कलेक्शन का, टोटल वर्ल्ड वाइड में इस मूवी ने 61 करोड़ कमाए, जो एक शानदार कलेक्शन है, एक बढ़िया कलेक्शन है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं ये मूवी आप लोग को कैसा लगा। क्या आप लोग वेंकटेश सर का फ़ैन है? अगर फ़ैन है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। अब बात करते हैं इस साल का सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली और बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म दबंग 3 को लेकर। हाँ दोस्तों, इसका लीड रोल में है सलमान खान सर। मूवी का बजट है 100 करोड़ रुपीज़। ये एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर, बिगेस्ट एक्शन फिल्म है इंडिया का और बॉलीवुड का भी। अगर बात किया जाए इस मूवी का फर्स्ट डे का कलेक्शन का, फर्स्ट डे में इस मूवी ने हिंदी वर्जन नीट कलेक्शन किया है 30 करोड़, तमिलनाडु से ग्रॉस कलेक्शन किया है 1 करोड़, तेलुगु स्टेट से ग्रॉस कलेक्शन किया है 2 करोड़, कर्नाटका से ग्रॉस कलेक्शन किया है 9 करोड़, जो बाकी स्टेट से बहुत ज़्यादा है। अगर बात किया जाए ओवरसीज़ कलेक्शन का, ओवरसीज़ कलेक्शन है इस मूवी का 15 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है 57 करोड़ रुपीज़। और अगर बात किया जाए इस मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का, तो पेज प्रीव्यू और फर्स्ट डे का कलेक्शन को मिलाकर इस मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 69 करोड़, जहाँ पर पेज प्रीव्यू का कलेक्शन था 12 करोड़ रुपीज़। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं दबंग 3 आप लोगों को कैसा लगा। क्या आप लोग सलमान खान सर का फ़ैन है? दबंग 3 के लिए सारे दर्शकों ने वेट किया और रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन करके दबंग 3 साबित कर दिया कि सलमान खान सर बॉलीवुड का किंग है। जो भी हो, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हमें हमारे साथ ही रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहेगा। धन्यवाद।